कैंसिल हुए थे तुम्हारे वापस और एक शो हो गया था, जब शोज कैंसिल होते हैं ट्रॉमेटिक रहता तुम्हारे लिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो ये अभी काम ही है ना, अभी काम, आपका काम रोक दिया जाए, काम कैंसिल कर दिया जाए आपका, कि क्यों, मतलब मेरे शो 30-40 लोगों का घर चलने वाला था आज, तो वही फील होता है कि यार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। जैसा आप जानते हो कि मुनार फारूकी का न्यू इंटरव्यू सिद्धार्थ करण के YouTube चैनल पर आने वाला था, फाइनली जाकर वह इंटरव्यू आ चुका है। एंड इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। जिस तरह से इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी, अपनी लाइफ की पूरी जर्नी बता दी है कि उन्होंने किस तरह से एक चौल में रहते थे, उसके बाद उन्होंने इस सभी चीजों को पाया और आज तो उन्हें पूरी दुनिया जानती है। एंड उन्होंने अपने ख्वाब सॉन्ग को भी बताया कि उन्होंने किस तरह से सॉन्ग को लिखा, और इस सॉन्ग को लिखते वक्त वह खुद सोच रहे थे कि मैं यह क्या लिख दे रहा हूँ। एंड सिद्धार्थ करण ने जब उनसे पूछा कि क्या आपको आज भी कोई बात आपको रिग्रेट करती है क्या, तो उन्होंने जो कुछ भी बताया आप उसे सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हाँ मुझे कई बातें हैं जो कि मुझे आज भी रिग्रेट करती हैं, कि मैंने अपने माँ के साथ बहुत ही कम वक्त बिताया, जो कि मैं बाहर खेलने चला जाता था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खेलने नहीं जाना चाहिए था और अपने माँ के पास बैठना था, तो यह बात मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट करती है। एंड फिर उसके बाद सिद्धार्थ करण ने यह भी पूछा कि क्या आज आप अपनी कुछ रिलेशनशिप को लेकर रिग्रेट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं उस बात को काफी ज्यादा रिग्रेट करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपनी गलती मानकर उनसे कभी बात की या फिर माफी मांगी, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इतना पैसा और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बाद भी मैं आज भी रात भर सो नहीं पाता हूँ, मुझे अपनी वही पुरानी बात काफी ज्यादा रिग्रेट करती हैं और मैंने एक महिला की रिस्पेक्ट नहीं की। साथ ही उन्होंने अपने पुराने बयानों के बारे में बताया, जो कि आपको पता होगा कि उनकी उस गलती के लिए वह जेल भी जा चुके हैं और उस गलती को लेकर वह आज भी पछता रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, वरना मैं यह गलती भी नहीं करता। और सिद्धार्थ करण ने उनसे जब पूछा कि क्या आप रात में पूरी रात सो लेते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुबह सोता ही हूँ, रात में तो मैं सोता ही नहीं हूँ, क्योंकि पूरी रात मैं यही सोचता रहता हूँ कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मुझे सोशल मीडिया में किस नए झमेले का सामना करना पड़ेगा, कौन सा बिल मेरे ऊपर फट जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा मुनार फारूकी को लेकर उनके पुराने विवादों को लेकर हर रोज एक नई कहानी लिख जाती है और हर दिन कोई ना कोई उनके ऊपर बिल फट ही जाता है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आज भी इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद और इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद मैं सुकून अपनी वही पुरानी चौल में ही पाता हूँ जहाँ मेरी बहन है, और उसी घर में मैं अपने पेट भर खाना खा पाता हूँ, जो कि मैं 10 साल पहले जहाँ पर रहकर जो खाना खाता था मैं वहीं पर जाकर मैं पेट भर खाना खा पाता हूँ। बाकी जैसे मैंने ख्वाब सॉन्ग में बताया था कि बड़े होटलों में अकेले बैठ कर खाना खाने के दिन आ चुके हैं, लेकिन मैं वहाँ बैठकर तो मैं सिर्फ शौक कर पाता हूँ, और आज भी मैं अपने रूम में जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं और मेरे कज़न हैं उनको बुलाता हूँ, तो मैं अपने घर, मतलब कि बहन के घर से खाना बनवा कर मंगवाता हूँ और मैं सब लोगों के साथ घर में ही खाना खाता हूँ। वो लोग तो यही कहते हैं कि चल बाहर खाना खाते हैं, उसके बावजूद मैं बहन से खाना बनवा कर घर ला कर खाता हूँ सबके साथ। और साथ उन्होंने यह भी कहा कि मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको पता है कि जब से मैंने लॉकअप रियलिटी शो को जीता था उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आ रहे थे करने को, लेकिन मैंने उन सभी कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया। मैं आज भी अपने वही कॉमेडी शो करता हूँ सिर्फ अपने फैंस की खुशी के लिए, क्योंकि जब फैंस मेरे शो को देखने आता है और मेरे साथ सेल्फी लेता है, जैसा आपको पता हो कि मैं अपना स्टेज शो पूरा करने के बाद 2 घंटे तक वहीं रहता हूं और हर एक इंसान के साथ सेल्फी लेता हूं, क्योंकि उस सेल्फी से उस इंसान को इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि वह सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता है और हर रोज़ यही कमेंट चेक करता है कि कौन किसने इतनी कमेंट कर दी, महीने 2 महीने तक उसी पोस्ट को देखता रहता है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए मैं फर्स्ट में अपने पैसे को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, मेरे लिए उन लोगों की खुशी ही मायने रखती है। मुनार फारूकी ने इस इंटरव्यू में उन सभी चीज़ों पर बात की जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप मुनार फारूकी से करना चाहते हैं, और इस इंटरव्यू को देखने के बाद मेरा एक वादा है कि आप
काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और के आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। फिलहाल आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड अगर आप मुनव्वर की फ़ैन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड उस इंटरव्यू को एक बार ज़रूर देखें। आपको उस इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, वरना आप सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।